Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is another review of one of the most dangerous things jo my winters mein hoti hai. Baalon mein ho jaate hain bahut sare dandruff aur fir wo baalon ko rukha sukha aur bejaan kar dete hain. Aur wo hame na to dikhne mein acha lagta hai aur na hi hamare baalon mein wo acha lagta hai. White color ke chote 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 yaar powder jaisa lagta hai aur fir wo girte hain hamare kapdon pe aur everywhere. Ye sabse badi problems hai winters ki. So आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज ना तो वो कोई घरेलू रेसिपी है ना ही कोई होम रेमेडी है बट इट्स वर्क सो वंडर लाइक मैं चाइल्डहुड में इस शैम्पू को यूज़ किया करती थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस दोबारा कभी यूज़ करूँगी बिकॉज इतने सारे अच्छे ऑप्शन आ गए थे हमारे मार्केट में कि बहुत सारे अच्छे से शैम्पू और कंडिशनर तो मैं सोचा कि अरे इसको क्यों यूज़ करना पर जब विंटर्स आए और डैंड्रफ हुए तो लगा कि नो बेबी आई हैव टू यूज़ इट तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि डैंड्रफ कैसे हटाएं होम रेमेडीज़ का तो आपको पता ही है कभी वर्क करती है कभी नहीं करती है आई मीन होम रेमेडीज़ आर गुड आई एम नॉट अगेंस्ट इट ऑब्वियसली लेकिन अगर बजट में कोई शैम्पू अच्छा मिल जाए जो आपके हेयर्स को भी स्मूथ कर दे डैंड्रफ भी हटा दे कंडीशनर की भी ज़रूरत ना पड़े तो फिर बुरा क्या है सो हाँ मैं लेकर आई हूँ आज हेड एंड शोल्डर जब मैंने हेड एंड शोल्डर के बारे में पता किया अभी मुझे पता चला तो मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि ये कुछ अच्छा होने वाला है बट मैंने इसे ट्राई किया एंड कम आउट रियली नाइस सो दिस इज हाउ इट लुक्स हेड एंड शोल्डर 2-in-1 दिस इज एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर सो इट इज 2-in-1 सो दिस इज स्मूथ एंड सिल्की सो मैंने इसको यूज़ किया है 3-4 वॉश तक और मैंने फर्स्ट वॉश का मतलब वॉश करने से पहले का भी वीडियो बनाया है अपने हेयर्स का जो कि बहुत ज़्यादा नेस्टी है पर आई थिंक यू ऑल कैन बियर इट सो या हैंड एंड शोल्डर 2-in-1 शैम्पू इसको लगाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है कंडीशनर लगाने की और दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी गाइस क्योंकि ठंडी है नहाने में वैसे ही ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड कहाँ पहुँच गए तो कंडीशनर लगाओ फिर वेट करो इससे बेटर है कि ये लगा लो थोड़ी देर वेट कर लो नहा लो तब तक और फिर इसे रिमूव कर दो वेट करो थोड़ा सूखने का और उसके बाद बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं मैं एक बात बताना चाहती हूँ ये शैम्पू लगाने के बाद मेरे डैंड्रफ तो कम हुए ही हैं बाल थोड़े से सिल्की भी हुए हैं और जो झड़ना था बालों का वो थोड़ा कम हुआ है ऑब्वियसली क्योंकि डैंड्रफ हटा है तो झड़ना भी थोड़ा सा कम होगा सो मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है बालों को गीला करने के बाद थोड़ा सा निकाल लें अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें थोड़ा सा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए क्योंकि इस पर कंडीशनर भी है और उसके बाद रिंस आउट कर लें पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट्स रिटेल फॉर 310 रुपए का 310 रुपीज सो या इट्स अ गुड शैम्पू और अमेजोन वगैरह में थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है हमें कोई डील के साथ सो या इसे छोटा वाला भी था दिस इज अ मीडियम साइज इससे छोटा भी है एक और आई थिंक वो 175 या 200 समथिंग का था सो मैं सोचा कि चलो यही ले लेते हैं बेस्ट है सो चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा फर्स्ट डे का और उसके बाद अप्लाई करने के बाद 2 से 3 वॉश करने के बाद क्या रिजल्ट रहा तो दोनों को मैं कंपेयर करके यहाँ पे दिखाने वाली हूँ ये क्लेम करता है कि ये 100% डैंड्रफ को रिमूव करेगा बट हाँ फर्स्ट वॉश के बाद मैं आपको बता दूँ फर्स्ट वॉश के बाद मैंने जो महसूस किया वो ये था कि जो स्कार्प है मेरा वो उसके डैंड्रफ पूरे तरीके से निकल गए थे पर जो हेयर था उसमें थोड़े से डैंड्रफ थे मतलब जो रह जाते हैं बट दैट इज़ ओके 3-4 वॉश के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है आई कैन से आई एम 95% सेटिस्फाइड विद दिस शैम्पू फॉर डैंड्रफ एंड बहुत अच्छा कंडीशनर भी कर देता है सो दोनों वीडियो को देखने के बाद आप बताएं कि आपको कितना असर दिखाई दे रहा है एंड कमेंट करें अगर आपने ये शैम्पू ट्राई किया है या आप करने वाले हो तो या और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच बाय बाय